अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मोबाइल रिपेयरिंग और मैं हूं आपका मेज़बान मुबशर थूल। जी नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम नोकिया 1208 और नोकिया 1200 जो कि बहुत पुराने मॉडल हैं, इन मोबाइल की जो एलसीडी की लाइट का जो सॉल्यूशन है वो इस वीडियो में बताएंगे। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बिला ताखीर आप तक पहुंच सके। जी नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों ने करना यह है कि एक जंपर वायर लेनी है। कोशिश करनी है कि जंपर वायर जो हो वो प्योर कॉपर की हो, अच्छी वायर हो और कलर्ड, मतलब कि वायर के ऊपर कलर होना चाहिए। एक वायर ऐसी होती है कि जो कि हम उसको जंपर करते हैं और वो ग्राउंड के साथ टच होने से वो शॉर्ट हो जाती है, तो ऐसी वायर का आप लोगों ने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने जंपर वायर लिया और उसको मैंने पहले सोल्ड करके उसका कलर उतारा है, उसके बाद अब मैं जो इस वीडियो में जो जंपर करने जा रहा हूं वो आप नोकिया के ये दो मॉडल हैं, नोकिया 1208 नोकिया 1200, इन दोनों पे कर सकते हैं। और उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर लाजमी कीजिए। किसी किस्म का आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। जी नाज़रीन, जो कि आप देख सकते हैं कि मैंने जंपर कर लिया है, इस तरह से ये परफेक्ट इसकी एलसीडी की जो लाइट है परफेक्ट वर्किंग करेगी। तो ये जो मोबाइल है और अब जो वायर है मैं उसको डिसकनेक्ट कर रहा हूँ। जी नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में नए प्रॉब्लम और नए सॉल्यूशन के साथ हाजिर होंगे। अपने होस्ट मुबशर थूल को इजाज़त दीजिए, अब तक के लिए।